नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। इतिहास अभ्यास सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषद के विषय में सही नहीं है? सही जवाब होगा ए, बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। क्वेश्चन नंबर दो में है, संहिता क्या है? संहिता का मतलब होता है श्लोकों का संग्रह, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर तीन में है, ऋग्वेद का सर्वाधिक छंद कौन सा है? तो सही जवाब होगा बी, अनुष्टुप, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर चार में है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आंसर आपका इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच में है, वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो सही जवाब होगा सी, लगध। विकल्प क्वेश्चन नंबर छः में है, मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? तो मैत्रेयी संहिता का संबंध जो है वो यजुर्वेद से है। आंसर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सात में है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो सही जवाब होगा ए, हाथी दांत पर उत्कीर्णन, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर आठ में है, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो सही जवाब होगा पृथुवैन्य, विकल्प संख्या आपका इसमें डी सही हो जाएगा। आर्यों ने पशुपालन और कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया था। वे मुख्यतः गेहूं और जौ उगाते थे। ऋग्वैदिक आर्य चावल से परिचित नहीं थे। सिंचाई प्रायः नहरों द्वारा होती थी। दो प्रकार की यहां भूमि थी, एक को उर्वरा कृषि योग्य उपजाऊ भूमि और बंजर दूसरी भूमि हुआ करती थी। अथर्ववेद के विवरण के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर नौ में है, औषधि वनस्पति के विषय में सूचना किस वेद में प्राप्त होता है? सही जवाब होगा आपका डी, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर दस में है, सुल्व सूत्र संबंधित है? तो सुल्व सूत्र संबंधित है व्याकरण से। आंसर इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं है? तो वेदों का अंग पुराण को नहीं माना जाता। सही जवाब होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? तो सही जवाब आपका होगा ए, चरसड़ी। आप व्याख्या के तौर पर देख सकते हैं कि चरसड़ी का प्रयोग कृषि हेतु हुआ है, जबकि लागल, वृक और सिर कृषि उपकरण यानी हल के द्योतक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अधर्वु का अर्थ क्या होता है? तो अधर्वु का अर्थ जो होता है वो है बी, यज्ञ करने वाला पुरोहित। आंसर इसमें बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाने वाला वेद जो है वो है यजुर्वेद। सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 में है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति को दो पुत्रियां कहा गया है, विकल्प संख्या डी, प्रजापति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सभा और समितियां क्या थीं? तो सभा और समितियां जो हैं वो आर्यों की संस्थाएं थीं। इसमें आप व्याख्या के तौर पर देख सकते हैं कि सभा मूलतः एक परिवार आधारित संस्था थी। इसमें भाग लेने वाली महिलाओं को सभावती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इसमें महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। इसमें ग्रामीण मामलों पर चर्चा की जाती थी और यह राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी किया करती थी।
समिति का महत्व ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में स्थापित हुआ था। इसमें दार्शनिक मुद्दों पर विचार किया जाता था। राजा का निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन समिति द्वारा किया जाता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिताएं यानी कि पुत्रियां कहा गया। सभा और समिति के बीच एकमात्र अंतर यह था कि सभा न्यायिक कार्य भी संपन्न करती थी, जबकि समिति के साथ ऐसा नहीं था। ये मान्य विचार है कि सभा और समिति प्रजा द्वारा निर्वाचित दो परिषदें हुआ करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? तो ऋग वैदिक युगीन का जो प्रधान स्रोत है वो है श्रुति। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वेद धातु से वेद शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जानना अर्थात ज्ञान। वेद ऐसा साहित्यिक भंडार है जो अनेक शताब्दियों के बीच विकसित हुआ है और जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कंठस्थ कर सुरक्षित रखते आए हैं। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत वेद है, जिनमें सर्व प्रमुख ऋग्वेद है और वेदों को ही श्रुति कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है, पुराण संबंधित है। तो आप इसमें विकल्प के तौर पर आप देखिए कि आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। पुराण किससे संबंधित है? तो पुराण संबंधित है ऐतिहासिक वंशावलियों से। विकल्प आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 19 में ये बताना है। तो ऋग्वेद जो है वो स्तुतियों का संग्रह है। व्याख्या के तौर पर आप देखें तो ऋग्वेद सबसे पवित्र और प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद का अर्थ छंदों एवं चरणों से युक्त, मंत्र स्तुतियों का एक संग्रह है। इस ग्रंथ से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह क्या था? तो वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रमाण चिन्ह जो है वो है यज्ञ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि संपूर्ण सृष्टि विराट पुरुष द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से उत्पन्न मानी गई है। वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रमाण चिन्ह यज्ञ था। ऋग्वैदिक काल में अनेक यज्ञ प्रचलन में थे। यज्ञों का आयोजन घरों और कभी कभी सामूहिक रूप से भी किया जाता था। यज्ञों में राजा और प्रजा दोनों ही भाग लेते थे। यज्ञों में विभिन्न श्रेणी के पुरोहित होते थे। होता जो है वो मंत्रोच्चारण, अधर्यु पूजा से संबंधित हाथ के काम तथा उद्गाता सामवेद का गान करते थे। यज्ञों का स्वरूप और पद्धति बहुत जटिल थी। कभी कभी यज्ञ में पशु बलि भी दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व सर्वाधिक था और ये आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में है, ऋग वैदिक कालीन आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें विकल्प आप देखें और सही जवाब बताएं। सही जवाब आपका होगा वह द्युत क्रीड़ा नहीं जानते थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो वह द्युत क्रीड़ा नहीं जानते थे। सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 में है, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय क्या है? तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय जो है वो है व्याकरण अर्थात ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 23 में है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? तो अष्टाध्यायी का लेखक है पाणिनि। ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं?
सही जवाब आपका होगा संवाद सूक्त, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में से किस एक से फिट सूत्र संबंधित है? सही जवाब आपका हो जाएगा 25 में सी, संज्ञाएं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, कौन सा सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारी में स्पष्ट विभेद करती है? सही जवाब आपका होगा सी, धर्म सूत्र। क्वेश्चन नंबर 27 में है, 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो सही जवाब आपका होगा यजुर्वेद, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 28 में है, कठोपनिषद निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो सही जवाब आपका होगा यजुर्वेद, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है? सही जवाब आपका होगा अथर्ववेद, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 30 में है, ब्राह्मण क्या है? इसका सही जवाब होगा बलि संबंधी अनुदानों पर पाठ, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 31 में है, पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं? सही जवाब होगा वंश, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 32 में है ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? सही जवाब होगा वरुण देवता के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 में है, वेदों को चार भागों में किसने विभाजित किया है? तो वेदों को चार भागों में विभाजित करने का काम व्यास ने किया, विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है, अथर्ववेद कितने भागों या खंडों में विभक्त हैं? तो अथर्ववेद 20 भागों या खंडों में विभक्त है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35 में है, परवर्ती काल में वैदिक धर्म ब्राह्मणवाद के रूप में जाना गया क्योंकि इसके पीछे क्या कारण था? तो सही जवाब होगा ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक धर्म का स्वरूप कर्मकांडी हो गया था, सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 में है, प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? तो प्राचीनतम उपनिषद जो हैं वो हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्न पुराणों में से किसमें इतिहास की परिभाषा और क्षेत्र की विवेचना है? सही जवाब होगा आपका इसमें डी, वायु पुराण। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है। इन पुराणों में वायु पुराण काफी महत्वपूर्ण है जिसके प्रथम अध्याय के 203वें श्लोक में इतिहास की परिभाषा दी गई। इसके अनुसार पुरा अनति अर्थात प्राचीन काल में जो जीवित था उसे इतिहास कहा गया। इसके साथ ही इस पुराण में इतिहास के क्षेत्र की विवेचना भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित में से किसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में किसका सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है? सही जवाब होगा आपका ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 40 में है, ऋग्वैदिक समाज में राजसत्ता के विकास के पीछे मूल कारण क्या था? सही जवाब होगा युद्ध का दबाव, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुराण है? इसमें सही जवाब आपको देना है कौन सा ग्रंथ पुराण है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें सी, श्रीमद् भागवत गीता। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है, इसमें प्राचीन आख्यान, वंशावलियां इत्यादि। पुराणों में ब्रह्म, मत्स्य, विष्णु, भागवत, अग्नि, वायु, मार्कंडेय और गरुण ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर
2 में है आत्मा के आवागमन की परिकल्पना, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? सही जवाब आपका हो जाएगा, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना जो है वो मिलती है ऋग्वेद में। सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 में है ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या था? सही जवाब आपका होगा बी, पशुओं की चोरी करना। क्वेश्चन नंबर 44 में है वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था क्या थी? तो वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 45 में है निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों में विशेष रूप से संबंधित है? तो कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित होने वाला वेद जो है वो है यजुर्वेद, विकल्प सी। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? सही जवाब आपका हो जाएगा अथर्ववेद, विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 47 में है गोमत क्या है? तो इसमें एक बौद्ध तीर्थ स्थान, एक जैन मूर्ति, एक हिंदू देवता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है? तो ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही इसमें से है ग्राम्य, पशुचारणिक, राजतंत्रीय, विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं? सही जवाब होगा केवल यजुर्वेद में, विकल्प बी। अगला और अंतिम सवाल आज का, वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या है? तो वैदिक शब्द जो ऋत है इसका आशय होता है नैतिक नियम, विकल्प आपका इसमें ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए अभ्यास में काफ़ी सहयोग करेगा। आशा करता हूँ कि ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न के जवाब में ज़रा सा भी आपको डाउट लगता है तो हमको ज़रूर मैसेज करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमको मैसेज ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।